गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि टैक्स का यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को जो हम लोग पेमेंट करते हैं टैक्स के रूप में, तो उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता क्या है, जिसमें हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका बिजनेस होने दो या फिर इंडिविजुअल लेवल पर आपका इनकम होने दो, जिसके थ्रू गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपना एक सही तरीके से इनकम जनरेट करना, ठीक है, आपके इनकम के ऊपर गवर्नमेंट का इनकम जनरेट करना, इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इस कॉल्ड एज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग साल में एक बार करते रहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स ये एक गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू सोर्स है। रेवेन्यू सोर्स इसका मतलब कि वो पब्लिक सर्विसेज के थ्रू वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है हमारे इनकम से, हमारे बिजनेस से, हमारा बिजनेस के एक्टिविटीज़ से जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, जैसे सेल्स टैक्स होता है, GST होता है, हाँ, उसके बाद आपका इनकम टैक्स होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सेशन हमारे पास यहाँ पर है, जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट अपने को यहाँ पर एक पब्लिक सर्विसेज फंड उन लोगों को मिल जाता है। वो फंड के थ्रू वो लोगों को वहाँ पर अलग अलग सर्विस देने का काम करते रहते, रोड बनाने का काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोगों को, जैसे अभी उन्होंने फ़िलहाल जो किया, कोरोना होने के बाद भी कुछ सिलेक्टेड लोगों को क्या बोलते हैं, ऑरेंज कलर वाला कार्ड जिसको था रेशन कार्ड, या फिर भी येलो कलर वाला रेशन कार्ड जिसके पास था, उन लोगों को वहाँ पर उन्होंने कम रेट में क्या किया है, पर अनाज डिस्ट्रीब्यूशन का काम वहाँ पर किया हुआ है। तो ये सब जो काम है वो कहाँ से होता है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। गैस का सिलेंडर हम लोग जो यूज़ करते हैं, गैस का सिलेंडर, उसके लिए आपका ओरिजिनल वैल्यू देखोगे गैस सिलेंडर का, तो कम से कम वहाँ पर 1200 रुपया से 1400 रुपया उसका ओरिजिनल वैल्यू है। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर गैस वाले को खाली 500 से 700 रुपया पेड कर रहे हैं। 500 से 700 रुपया पेड करना मतलब 700 आप पेड कर रहे हो, तो ऊपर का जो 500 या 700 रुपीज़ है वो कौन पेड कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट पेड कर रहा है आपको। जो टैक्स आपने गवर्नमेंट को भरा था वो टैक्स के पैसे से वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये था पहला। उसके बाद बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। पहला जो है वो हमारे पास दो टाइप के टैक्सेस है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी देख लो, जैसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप कोई भी पर्सन होने दो, पर्सन से यानी कि बिजनेस वाला होने दो या फिर जॉब पे जाने वाला पर्सन होने दो, वो अपने इनकम में से जो भी पेमेंट करता है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, बराबर है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम के ऊपर से पेमेंट किया गया हुआ टैक्स। उसके बाद जो अदर बात करते हैं, अदर दूसरा दूसरा पर्सन यानी कि जिसके थ्रू हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गुड्स खरीदना बेचना, उसमें से आपको प्रॉफिट मिलता है, उसके कारण आप वहाँ पर जो सेल का काम करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, उसमें से जो आप टैक्स भरते हो, उसको हम लोग ने यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेशंस करके बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है, अभी थोड़ा सा बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में, वो मैंने आपको यहाँ पर सिंपल वर्ड में लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अभी देख लो, डायरेक्ट टैक्स का सिंपल वर्ड में मीनिंग क्या बोलता है, डायरेक्ट टैक्स इज़ टैक्स दैट यू डायरेक्टली पे टू द अथॉरिटी इम्पोजिंग ऑन द टैक्स। फॉर इंस्टेंस, इनकम टैक्स इज इम्पोज बाय गवर्नमेंट एंड यू पे इट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा है कि हम लोग जो डायरेक्टली अपने पर्स पर्टिकुलर अथॉरिटी पर्सन्स को
अथॉरिटी को पेड करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स करके बोलते हैं। वो किसी भी थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन्स को पहले पेड नहीं किया जाएगा कि भाई मैंने इसको पर्टिकुलर ए को पेड किया, फिर ए ने क्या किया, गवर्नमेंट को पेड किया, ऐसा कभी भी होता नहीं है। डायरेक्टली हम लोग वो पर्टिकुलर अथॉरिटी को ही वहाँ पर पेड करते हैं, इसीलिए उसका नाम डायरेक्ट टैक्स है, मतलब डायरेक्टली पेड करना। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यहाँ पर एकदम सिंपल वे से है, कलेक्ट बाय वन एंटिटी इन द सप्लाई चेन, यूजुअली प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। देख लो, प्रोड्यूसर होने दो या रिटेलर होने दो, ये लोग अपनी तरफ से एक चेन सिस्टम में वो टैक्स को वो लेते रहते हैं या पेड करते रहते हैं। जैसे कि कोई दुकानदार जब भी अपना गुड्स सेल कर रहा है, तो वो जो सामान बेचेगा उस सामान के ऊपर जो भी गवर्नमेंट को उसको टैक्स भरना है, वो टैक्स वो क्या करता है, अपने कस्टमर से लेता है। कस्टमर से लेने के बाद वो क्या करेगा वहाँ पर, अपने सेलर को यानी कि दुकानदार उसके होलसेलर को वो पैसा भरता देता है। वो होलसेलर किसको देता है, प्रोड्यूसर को देता है। प्रोड्यूसर किसको देता है, फिर गवर्नमेंट को देता है। इसका मतलब ये एक चेन सिस्टम में काम हो रहा है। चेन सिस्टम में जो काम होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब गवर्नमेंट को हमने टैक्स तो पेड किया है, लेकिन डायरेक्ट बेसिस पर मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाके पेड नहीं किया, मैंने इनडायरेक्ट वे से वो टैक्स वहाँ पर पेड किया हुआ है। उसके बाद जो है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स के टाइप्स कितने हैं। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स के टाइप के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया में पहला जो है वो इनकम टैक्स, वो मालूम है आपको, जो हमारी सैलरी मिलती है। कोई भी पर्सन होने दो, वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है, बिजनेस कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये सब लोग अपनी तरफ से वहाँ पर एक पर्टिकुलर टैक्स वहाँ पर पेड करते हैं। जब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर बंद होता है वो टाइम पर हम लोग उसको इनकम टैक्स करके बोलते हैं। दूसरा जो टैक्स का टाइप है, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। स्टॉक ट्रेडिंग में यानी कि शेयर्स को ख़रीदना बेचना, उसके बाद तुम्हारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना, उसके बाद उसके तुम्हारा क्या बोलते हैं क्या होता है बॉन्ड्स परचेस करना, डिबेंचर्स करना, ये प्रेफरेंसेस, ये सब जो है तुम्हारा वहाँ पर, ये सब तुम्हारा क्या है सिक्योरिटी है। वो जो सिक्योरिटी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज के थ्रू आपका जितना भी एक्टिविटीज़ हो रहा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पेड करना होता है, वो सिक्योरिटीज़ टैक्स करके बोला जाता है वहाँ पर। उसके बाद थर्ड वन जो है वो कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब इस तरीके से है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आप वहाँ पर काम करने के टाइम पर, जैसे कि अभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी ने कुछ उनके टाइम पर मतलब आज से 50 साल पहले उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेस करके रखा था, और वो प्रॉपर्टी को मैंने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो वो प्रॉपर्टी मैंने जो सेल किया है वो आज मुझे कैपिटल गेन के रूप में दिखाई दे रही है, ठीक है, कैपिटल गेन के रूप में। यानी कि आपने वो प्रॉपर्टी लंबे समय तक आपके पास संभाल के रखी थी, हाँ ठीक है, 50 साल तक मैंने वो प्रॉपर्टी को संभाला था, इस कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो टाइम पे उसको कितने में ख़रीदा था, हाल 50 साल पहले बोलेंगे तो बोलेंगे हार्डली 5,000 में वो लैंड ख़रीदा था, बराबर है, प्रॉपर्टी ख़रीदा था उसको मैंने, लेकिन आज जब भी बेचने को गया तो 5,000 में ख़रीदा हुआ प्रॉपर्टी को आज मैंने 50 लाख में बेचा है। इसका मतलब मुझे वहाँ पर 49,95,000 का प्रॉफिट हुआ है, बराबर है कि नहीं। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा, वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या है, कुछ जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो शॉर्ट टर्म होता है लॉन्ग टर्म होता है, जैसे किसी किसी को आदत होती है बहुत सारी वहाँ पर, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब घर खरीदते हैं, घर खरीदेंगे 6 महीना 1 साल रखेंगे, बाद में वही घर वो बेच देंगे वापस,
है ना, उसके अंदर रहने को नहीं जाएंगे। एक घर खरीदते, एक साल रखते, बेच देते, दूसरा घर खरीदते, एक साल रखते, बेचते, उसमें से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट के ऊपर आप जो गवर्नमेंट को टैक्स पेड करते हो, इस कॉल्ड एज कैपिटल गेन टैक्स। उसके बाद कॉमन टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ अभी दो फ्रेंड्स। पहला जो है GST, जो अभी अभी हम लोगों का 2017 से इम्प्लीमेंटेशन से आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब लोग जानते हैं नॉर्मली GST क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जैसे कि हम लोग अगर कोई भी फॉरेन कंट्री से गुड्स, वो मतलब कोई भी परचेस करते हैं फॉरेन कंट्री से, तो उसके ऊपर हम लोगों को वहाँ पर क्या भरना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप वहाँ पर लेकर आते हो, हाँ, या तो फिर आप साथ में लेकर नहीं आ रहे हो पर आपने इंपोर्ट किया हुआ है, तो भी आपको उसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी वहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है तीसरा वो है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब इस तरीके से है कि आप जब भी आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वैल्यू, और वो प्रोडक्ट का वैल्यू जब भी बढ़ जाएगा सप्लाई चेन के थ्रू, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को जो भी टैक्स पेड करना होगा, परसेंटेज पेड करना होगा, वो परसेंटेज, जैसे अभी फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं अल्कोहल वाला जितना भी प्रोडक्ट्स है आप देख सकते हो कि उसका वैल्यू जो है वो बढ़ते रहता है, ठीक है। जब भी उसका वैल्यू गेन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको जो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इसमें अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपको एक बार ऑनलाइन में बुलाने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और डाउट के बारे में डिस्कस करेंगे।